साइकोलॉजी कहती है कि औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि वह एक ही नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खा जाती है जब वह एक मर्द को खुद से ज़्यादा चाहने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि इरोटोमेनिया एक बीमारी है जो लड़कियों में होती है। उन्हें भ्रम रहता है कि वे बहुत खूबसूरत हैं और सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार घमंड के अंदर एक बुरी बात यह होती है कि वो इंसान को कभी महसूस भी नहीं होने देता कि वो गलत हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लोगों की मानसिकता ही आजकल कुछ ऐसी हो गई है कि लड़कियों को अपने भाई के साथ फोटो डालने पर भी ब्रदर लगाना पड़ता है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी लड़की का व्यवहार कैसा होगा यह आप पहली नज़र में कभी नहीं समझ सकते। जिन लड़कियों का अपने पिता के साथ उच्च विश्वास होता है वे अपने प्रेमी के साथ भी उच्च विश्वास रखती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के भीतर असंतुष्टि की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है कि असंतुष्टि वयस्कों में ही होती है तो आप गलत हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया खिलौनों और स्कूल से सक्सेस के साथ ही बच्चों में धीरे धीरे पनपने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप कोई बात छिपाना चाहते हो तो किसी एक इंसान को भी मत बताना, क्योंकि जब आप खुद उसे अपने तक नहीं रख सके तो किसी दूसरे पर कैसे उम्मीद कर सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई बच्चा रो रहा है और आप उसे चुप कराना चाहते हो तो आप उसके सामने उससे भी ज़्यादा रोने की एक्टिंग करो। ऐसा करने से वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो शांत हो जाएगा। मनोविज्ञान का मानना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले को ही करना पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी भी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी को पैदा भी कर सकता है। अगर आप किसी इंसान को बार बार समझाते हैं और वह नहीं समझता है तो या तो आप उसे समझाना छोड़ दीजिए या उससे दूर हो जाइए, क्योंकि उसे आपकी कदर ही नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि पहले करियर बनाइए तभी रिलेशनशिप में जाइए, क्योंकि करियर ना होने की वजह से या तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा या फिर ख़त्म करना पड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं है, अक्सर उन्हीं के दिलों में कुंभ का मेला लगा हुआ होता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हैं तो उससे अच्छे से बात करने के लिए आपको अपनी आवाज़ को लिमिट से यूज करना चाहिए। अगर आप अपनी आवाज़ को लिमिट से यूज कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों को सेक्सी बातें करना उतना ही अच्छा लगता है जितना कि लड़कों को लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़कियां सेक्स करने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं उनके अंदर यह एक खास बात होती है कि वो कभी भी किसी एक लड़के की नहीं हो सकती।